जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। कार्य के पीछे एक चिंतन होता है। कोई भी काम आदमी करता है एक चिंतन के साथ करता है। कोई पूछ ले काम क्यों किया, बता देगा कि इसलिए किया। जब इसलिए किया इसका मतलब उसके पीछे चिंतन है। तो आकस्मिक तो कभी कभी होता है, प्राय चिंतन पूर्वक कार्य होता है। किसी से पूछो रोटी क्यों खाता है तो उत्तर मिल जाएगा कि शरीर पुष्ट रहे, शरीर स्वस्थ रहे, शक्तिशाली रहे, इसलिए रोटी खाता हूँ, एक कारण है। तो अब आगे और जाएं, हम समग्र जीवन के बारे में चिंतन करें और कोई पूछ ले कि तुम क्यों जी रहे हो, इसका भी उत्तर देना होगा कि तुम क्यों जी रहे हो। एक तो शरीर मिल गया इसलिए जी रहे हो या जीने का कोई अर्थ है, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, एक समग्रता से प्रश्न है। तो इसका उत्तर एक तो यह हो कि मुझे शरीर मिल गया इसलिए जी रहा हूँ, या धन कमाने के लिए जी रहा हूँ, सुख भोगने के लिए जी रहा हूँ, एक उत्तर हो सकता है, पर यह पर्याप्त उत्तर नहीं। अध्यात्म की दृष्टि से इस पर चिंतन किया गया तो उत्तर मिला, और वह बहुत अच्छा उत्तर लगता है, समग्रता का उत्तर, कि मैं दोनों जन्मों को सुधारने के लिए जी रहा, मेरा वर्तमान का जीवन भी सुधरे और आने वाला जन्म भी मेरा अच्छा हो, इसलिए मैं जी रहा हूं। अगर यह चिंतन है और इस चिंतन के साथ कोई आदमी जीता है तो उसका सारा आचार बदल जाएगा। आचार शास्त्र का एक बहुत बड़ा यह आधार बनता है कि उभय लोक हिताय, दोनों जन्मों के हित के लिए मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं वह दोनों जन्मों के हित के लिए, वर्तमान का जीवन भी अच्छा हो और अगला जन्म भी अच्छा हो। यह नहीं कि अगला अच्छा हो इसके लिए काम करें और वर्तमान की चिंता न करें, अच्छा नहीं होता। केवल वर्तमान की चिंता करें और अगले जन्म की चिंता न करें, यह भी अच्छा नहीं होता। आज के भौतिकवादी युग में एक भौतिकवादी दृष्टिकोण बन गया कि आदमी वर्तमान जीवन की तो चिंता करता है, अगले जन्म की चिंता नहीं करता। ऐसा लगता है कि अपने आप को धार्मिक भी मानते हैं, आस्तिक भी मानते हैं, पर आस्तिकता हृदय में नहीं उतरी, कोरा ऊपर ऊपर रह गया, धर्म जीवन में नहीं उतरा। और यह धर्म की कसौटी है, जो व्यक्ति कोई भी काम करे पहले सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा, वर्तमान जीवन में क्या होगा और अगले जीवन में क्या होगा, कहीं ऐसा तो न हो कि मेरा अगला जन्म और बिगड़ जाए। बकरा बार बार दुकान पर आ रहा था, बहुत हृष्ट पुष्ट बकरा था और बार बार दुकान पर आ रहा था। अब जो दुकान का मालिक था, युवक था, उसने कई बार उसको हटाया,
कर्मचारी ने हटाया, आखिर मानता ही नहीं है, बार बार बकरा फिर आ जाता है। तब वह जो दुकान का मालिक था हाथ में एक बड़ा सारा लठ लिया और ऐसा पीटना शुरू किया कि पीटते पीटते उसको दूर ले गया। एक कोई तत्वज्ञानी, कोई सन्यासी या तपस्वी खड़ा था, उसने देखा, हंसने लग गया, हंस रहा है। आप बकरे को दूर कर आया, ऐसा कर दिया अधमरासा के वापस आ ही नहीं जाए। आकर पूछा, भैया तुम हंस क्यों रहे हो? नहीं, बोला ऐसे ही दुनिया है, दुनिया की घटना देखता हूं, हंसी आ गई। क्यों हंस रहे हो? मत पूछो, पूछना अच्छा नहीं है। क्या नहीं, अब तो जरूर पूछूंगा, कारण बताओ क्यों हंस रहे हो? अरे नहीं पूछो तो अच्छा है, ऐसे ही रहने दो। कुछ बातें ऐसी होती है कि सींदड़ी का छे मतलो, कहावत है ना राजस्थान में, सींदड़ी का छे मतलो, रस्सी का छे मतलो, रस्सी को खींचा, खींचा क्या है, खींचते खींचते निकला तो मरा हुआ कुत्ता निकला, आखिर करोगे क्या पूछकर? रहने दो। क्या नहीं, बताना तो पड़ेगा, बताना पड़ेगा, चलो सुन लो। मुझे हंसी इसलिए आई कि जिस दुकान का मालिक था और वह अपनी दुकान में आ रहा है और उसका बेटा लठ्ठा मार कर उसको निकाल रहा है, इसलिए हंसी आ गई, एकदम चौंका रह गया। ये कैसे क्या, ये बकरा तेरा पिता है? और इसने दुकानदारी की, नैतिकता नहीं बरती, ईमानदारी नहीं रखी, झूठा तोल माप किया। झूठा तोल माप करने का एक परिणाम है अगले जन्म में पशु योनि में पैदा होना। यह थानंग सूत्र में बतलाया गया है कि पशु योनि में जाने के चार कारण है, उनमें एक कारण है झूठा तोल माप। जो व्यक्ति झूठा तोल माप करता है, मरने के बाद हो सकता है वह पशु योनि में पैदा हो जाए। तो तेरा पिता ये झूठा तोल माप करता था, मरकर के बकरा बन गया। अब दुकान से इसका मोह, वह आसक्ति का धागा टूटा नहीं है, वह मोह जुड़ा हुआ है, इसलिए बार बार आ रहा है। तू ऐसा सपूत निकला जो लठ्ठे मार मार कर बेचारे को अधमरा कर दिया, इसलिए मुझे हंसी आ गई। हम इस पर विचार करें, कोई भी काम करें, आचरण करें, यह सोचें कि अगला जन्म क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, मुझे क्या भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वर्तमान में जो चल रहा है, इस सच्चाई को, इस दार्शनिक सच्चाई को, धार्मिक या आध्यात्मिक सच्चाई को बिल्कुल भुला दिया गया। आज तो केवल वर्तमान में मैं क्या बनूं, बस इस पर, और इसीलिए ये इतनी हिंसा हो रही है। अगर हिंसा करने वाला ये सोचे कि मुझे इसका क्या भुगतना पड़ेगा, तो कभी इतनी हिंसा कर नहीं सकता। पर उनके सामने ये दृष्टि नहीं है, एक दर्पण नहीं है जिसमें अपना मुंह देख सके, अगले जन्म में मुझे क्या होना है, क्या भुगतना पड़ेगा। हमारे सामने कभी कभी ऐसी घटनाएं आती है, एक आदमी आकर इतना दुख का गाना गाता है कि दूसरे को भी दया आ जाए। तब कभी कभी मैं मन में सोचता हूं कि आज तुम में इतना संकट, इतना दुख, इतनी कठिनाइयां, इतनी समस्या आ गई, तुम जरा यह भी सोच लो कि मैंने भी कुछ किया होगा, उसका परिणाम भुगत रहा हूं, ये कुछ किया होगा। करते समय आदमी सोचता नहीं है, आदमी की एक मनोदशा विचित्र है कि पुण्यम फलस्य वांछन्ति, पुण्य का फल चाहता है, धर्म का फल चाहता है, पुण्य का फल चाहता है कि मुझे पुण्य का फल मिले, पुण्य करता नहीं है। पापम नेच्छन्ति मानवा, पाप का फल नहीं चाहता और आदमी पाप कर रहा है। आप इस सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करें, कितना गहरा सिद्धांत है कि फल चाहता है पुण्य का और करता है पाप, फल नहीं चाहता पाप का और करता है, दुख नहीं चाहता और करता है पाप, पुण्य का आचरण नहीं करता, पाप का फल नहीं चाहता फिर भी पाप करता है, पुण्य का फल चाहता है पुण्य नहीं करता।
एक बड़ी विचित्र मनोदशा चित्त वृत्ति है एक धार्मिक व्यक्ति को, एक आस्तिक व्यक्ति को, एक श्रद्धावान व्यक्ति को इस पर चिंतन करना है कि अगर मुझे वर्तमान जीवन भी अच्छा रखना है और अगला जन्म भी अच्छा रखना है तो मेरा आचरण कैसा होना चाहिए। केवल वर्तमान परक आचरण नहीं कि आज मैं करोड़पति बन जाऊं, आज तो बहुत सारी चलती है ना समाचार पत्रों में कौन बनेगा करोड़पति। अब हर आदमी के मन में करोड़पति बनने की ललक जाग जाती है। अरे करोड़पति बनो उससे पहले ये देखो मेरा जीवन कैसा अच्छा रहेगा, शांति कैसी रहेगी, क्या होगा, वह चिंतन नहीं होता। अर्थ के बारे में, अर्थ जीवन का एक मुख्य विषय है, इसलिए अनेक आचार्यों ने सोचा है, चिंतन किया कि अर्थार्जन कैसे होना चाहिए, क्योंकि अर्थ के बिना तो काम नहीं चलता, धन के बिना तो बिल्कुल काम नहीं चलता। सुबह नाश्ता चाहिए वह भी नहीं मिलता, चाय दूध भी नहीं मिलता, रोटी भी नहीं मिलती, कपड़ा भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अर्थ के बिना तो जैसे कि एक पैर भी आदमी चल नहीं सकता। जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है श्वास और पानी, रोटी। अब कठिनाई यह है कि आज तो पानी भी पैसे के बिना नहीं मिलता, पानी भी बिकने लग गया ना, पैसे के बिना पानी भी नहीं मिलता, पैसे के बिना रोटी भी नहीं मिलती। स्वास्थ्य तो था कि पैसे के बिना मिल जाता था, आज तो स्वास्थ्य भी पैसे के बिना नहीं मिल रहा। बहुत जगह तो बस पैसे से स्वास्थ्य लेना पड़ता है। वह कहते हैं ना, एक महिला ने डॉक्टर से पूछा, छोटा बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती था, तो महिला ने पूछा कि बच्चे की मुन्ने की हालत कैसी है। डॉक्टर ने कहा कि हालत तो खास्ता ही है, अब नकली स्वास्थ्य दिया जा रहा है। उसने कहा नकली क्यों, असली दो, मेरे पास बहुत पैसा है, चाहे जितना पैसा दे दूंगी असली दो। अब असली दे कहाँ से, पैसे से तो नकली मिलेगा, असली तो मिलेगा नहीं। स्वास्थ्य भी मुश्किल हो गया, तभी कभी ऑक्सीजन कभी कुछ, पैसे से स्वास्थ्य भी लेना पड़ता है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। तो फिर हमारे संतों ने पैसे को बहुत गालियां दी, मैं तो नहीं देता हूं, तो पुराने संतों ने पैसे को बहुत गालियां दी है कि पैसा अनर्थ का मूल है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, एक चिंतन है, एक दृष्टिकोण है वह भी, किंतु पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। हाँ, इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि पैसे का अर्जन कैसे करें, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य हरिभद्र सूरी, जो बहुत बड़े जैन आचार्य हुए हैं, राजस्थान के ही थे और चित्तौड़ उनका मुख्य था, चित्तौड़ के थे, चित्तौड़ उनका बड़ा केंद्र था। वो शायद इतने बड़े आचार्य हुए हैं जिन्होंने बहुत लिखा है, ब्राह्मण थे, जैन आचार्य बने और इतना लिखा है उन्होंने कि शायद जैन आचार्यों में एक इतना लिखने वाले कम हुए हैं। 1444 ग्रंथ उन्होंने लिखे, 100 पुस्तक लिखना भी मुश्किल है, 1444 और बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। हरिभद्र सूरी ने एक गृहस्थ धर्म पर बहुत लंबा प्रकरण लिखा है, बहुत विचार किया कि गृहस्थ का धर्म क्या होना चाहिए। उस विषय में उन्होंने लिखा कि गृहस्थ पैसे के बिना तो रह नहीं सकता, तो फिर क्या करे। न्यायोपार्जितम ही वित्तम उभय लोक हिताय, धन के बिना रह नहीं सकता, धन का अर्जन करना पड़ेगा, किंतु अन्याय से धन का अर्जन न करे। न्याय से जो धन का अर्जन किया जाता है वह उभय लोक हिताय, दोनों जन्म में हितकर होता है, वर्तमान जीवन के लिए भी हितकर और आगामी जन्म के लिए भी हितकर। यह बड़ी महत्व की बात है, उभय लोक हिताय। एक आस्तिक व्यक्ति का, एक धार्मिक व्यक्ति का हर कार्य चिंतन पूर्वक हो, उस चिंतन के पीछे दो जन्म रहे, एक वर्तमान का और एक सामने वाला आगे का, कि आगे मुझे कहाँ जाना है, क्या होना है। दोनों जन्मों का चिंतन युगपत साइमल्टेनियसली, एक साथ चिंतन रहे, युगपत चिंतन दोनों जन्मों का, वर्तमान का भी सोचना और अगले जन्म का भी सोचना।
ऐसा कोई काम हमारा न हो कि वर्तमान के लिए तो सोचें और अगले जन्म की बात छोड़ दें। न्यायोपार्जित वित्तम, एक बहुत ही गहन चिंतन किया है कि अन्याय से धन कमा लिया जाए तो क्या आपत्ति है, और दूसरी बात कि न्याय से धन कमाने में बड़ी कठिनाई है। आदमी आज प्रामाणिकता, नैतिकता, ईमानदारी से धन कमाए और यह सोचे मैं तो रिश्वत नहीं दूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा, ये बिल्कुल न्याय के साथ चलूंगा, तो लोग कहते हैं कि दुकान भी बंद करनी पड़ जाती है फिर, क्योंकि इतने आते हैं लेने वाले, कठिनाई तो है। हमारा भी अनुभव है, दिल्ली में जब अनुव्रत आंदोलन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा था और व्यापारी वर्ग में कार्य चला कि कोई मिलावट नहीं करेंगे, सब्जी मंडी के पूरे बाजार में ये कहा कि हम शुद्धि के साथ काम करेंगे, अप्रामाणिकता नहीं बरतेंगे, बिल्कुल नैतिकता के साथ करेंगे, संकल्प ले लिया। अब एक दिन पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी के सामने एक कार्यक्रम रखा गया व्यापारी वर्ग का, सब्जी मंडी के व्यापारियों का कार्यक्रम था, और उस समय जो केंद्र मंत्री थी, खाद्य मंत्री, वह भी आई हुई थी महिला, और भी मंत्री लोग आए हुए थे, अधिकारी आए हुए थे, काफ़ी चर्चा चली। चर्चा के दौरान व्यापारी वर्ग ने जो समस्याएं रखी वह चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा हमने संकल्प तो ले लिया, अब हमारे जो इंस्पेक्टर आते हैं अगर उनकी पूजा पाठ हो जाता है तब तो सब नमूना ठीक है, और हम रिश्वत देते नहीं, हमारा विश्वास है कि हम तो अशुद्धि बरतते नहीं, मिलावट करते नहीं, बेईमानी करते नहीं, हम क्यों दें, तो उनको पूजा नहीं करते हैं, उनको भेंट नहीं चढ़ाते हैं, तो जो भेंट चढ़ाने वालों के तो गलत नमूने भी पास हो जाते हैं और हमारा शुद्ध माल भी फेल हो जाता है, अब क्या करें, बड़ी समस्या है। बोला सूंठ है, और सूंठ में भी कितना जो मानदंड है इतना परसेंटेज होना चाहिए। अब उनका हम करें क्या, जिस क्षेत्र में पैदा होती है सब में समान नहीं होता। अब नागौर का एक जो होता है अश्वगंधा, उसमें जो क्वालिटी है, जो गुण है, वह दूसरी जगह अश्वगंधा में नहीं होती, तो ये तो क्षेत्र भेद रहता, हम क्या करें इसका, हमारे पास रहता, हम तो कोई सोच में तो मिलावट कर नहीं सकते, क्या करेंगे हम, पर फिर भी नहीं होता क्योंकि पूजा पाठ नहीं, बड़ी समस्या है। आदमी न्याय से कमाए कैसे, जब समाज का पूरा वातावरण न्याय निष्ठा का हो तो न्याय से पैसा कमाया जा सकता है, पर चारों तरफ भ्रष्टाचार का माहौल हो, वातावरण हो, और न्याय की कोई बात सुनने वाला न हो, तो फिर कैसे कमाएं। आचार्य ने कह दिया कि न्याय से कमाया हुआ धन दोनों जन्मों के लिए हितकर होता है। बात तो बहुत सुंदर कह दी, पर स्वयं प्रश्न पैदा कर दिया स्वयं ही कि न्याय से पैसा आता नहीं है तब कैसे करें, बड़ी समस्या है। इसका समाधान भी किया गया कि यह विश्वास बिल्कुल झूठा विश्वास है कि न्याय से पैसा नहीं आता। प्रारंभ में कठिनाई हो सकती है, एक बार कठिनाई का अनुभव हो सकता है, पर यदि तुम्हारी निष्ठा है कि मैं न्याय से ही काम करूंगा, अनीति से काम नहीं करूंगा, गलत आचरण नहीं करूंगा, तो पैसा स्वयं आने लग जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। इसका कारण एक कर्मशास्त्रीय कारण दे दिया कि अगर तुम्हारी न्याय में निष्ठा है तो तुम्हारे जो विघ्न बाधा का कर्म है, अंतराय कर्म, वह थोड़े दिनों में दूर हो जाएगा और पैसा आने लग जाएगा। दूसरी बात कि तुम्हारा विश्वास जम जाएगा, कुछ दिन तो लगेगा, जब विश्वास जम जाएगा कि यहाँ शुद्ध माल मिलता है, फिर तो भीड़ लग जाएगी। ये बात जो बतलाई, हमें इसका अनुभव भी है। असम में एक व्यक्ति ने अनुव्रत के आधार पर दुकान का काम शुरू किया और पक्का कि एक भाव, कोई भाव का परिवर्तन नहीं, कोई बच्चा आ जाओ, बूढ़ा आ जाओ, स्त्री आओ,
भाव एक और मूल्य निर्धारित और शुद्ध वस्तु, कोई भी मिलावट नहीं। अब कुछ दिन तो कठिनाई पड़ी, कठिनाई इसलिए कि शुद्ध बेचता है उसका भाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मिलावटी होता है उसका भाव कम कर देते। तो भला अब ग्राहक जाएगा वह तो यह नहीं देखता कि शुद्ध अशुद्ध है, वह तो देखेगा कि कम दाम कहाँ लगता है। कठिनाई हुई, पर जब धीरे धीरे यह विश्वास जम गया कभी जिसको शुद्ध खाना पीना लेना हो, शुद्ध वस्तु लेना हो, वह इस दुकान में मिलेगी। उस भाई ने बताया कि मुझे दो चार महीना तो कठिनाई का सामना करना पड़ा और बाद में तो यह स्थिति हो गई कि मैं पूरा भी नहीं कर पाता था। एक दिन में इतनी लंबी क्यू लग जाती कि सबको दे नहीं पाता, तो ग्राहक चले जाते, दूसरे दिन आते पर दूसरी दुकान से नहीं लेते। जिसको शुद्ध लेना है, स्वास्थ्य का ध्यान है कि मुझे स्वास्थ्य को ठीक रखना है, शुद्ध वस्तु लेना है, मिलावटी वस्तु नहीं लेना है, वह तो करेगा। तो विश्वास पैदा हो जाएगा। दो कारण, एक तो धीरे धीरे विश्वास पैदा होगा। विश्वास एक दिन में पैदा नहीं होता। पानी की बर्फ जमाते हैं ना, कितना समय लगता है क्या कुछ, या एक मिनट में हो जाती है? कुछ समय लगता होगा, थोड़ा समय तो लगता ही है। धैर्य रखना होता है, धैर्य। टालस्टाय से, टालस्टाय जो रशिया के महान चिंतक हुए हैं, बहुत बड़े चिंतक और संत पुरुष थे, उनसे पूछा कि सफलता का राज क्या है। टालस्टाय ने उत्तर दिया, धैर्य, धैर्य, धैर्य रखो, धीरज रखो, ये सफलता का सूत्र है। युवक बोला, धैर्य कब तक रखें? हमने बहुत धैर्य रख लिया, कब तक रखें? क्या धैर्य रखने से चलने में पानी टिक जाएगा? चलने में तो छेद होते हैं, सब नीचे गिर जाता है, क्या चलने में पानी टिक जाएगा? टालस्टाय ने कहा, धैर्य रखो, पानी बर्फ बन जाएगा, चलने में भी टिक जाएगा। जब तक पानी बर्फ न बने तब तक धैर्य रखो। पानी भी टिक सकता है, पानी बर्फ बन सकता है, पर थोड़ा समय लगेगा। धैर्य रखो, आकस्मिकता मत करो, तत्काल मत करो। ये तात्कालिकता में तो एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती है, धैर्य रखो। ये आजकल देखते हैं सड़क पर भी अच्छे अच्छे वाक्य लिखे रहते हैं कि तुम्हें जीवन पसंद है कि जल्दबाजी पसंद है, क्या पसंद है, क्या पसंद है? यदि जीवन को चाहते हो तो थोड़े धीरे धीरे चलो, धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो। और अगर वह पसंद नहीं है तो फिर तुम चाहे जैसे गाड़ी को चलाओ, चाहे जैसे चलो। आखिर हर जगह धैर्य रखना होता है। एक यह सूत्र इतना है कि वर्तमान की सारी व्यापार नीति, अर्थ नीति, व्यवसाय की जो सारी परंपरा है, उस पर विचार करना जरूरी है। और एक सूत्र सबके सामने रहे, अगर हर दुकान के सामने और रहता ना कि यहाँ शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध देसी मिठाइयाँ मिलती है, ये मिलता है, वैसे यह भी रहे कि मैं जो कमाऊँगा वह दोनों लोगों को सामने रख कर कमाऊँगा, यानी वर्तमान लोक और भावी लोक, वर्तमान जीवन और भावी जीवन दोनों को सामने रख कर मैं कमाई करूँगा। अगर यह एक धारणा बन जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान है। इस विषय पर हमें खूब गहराई के साथ चिंतन और मनन करना चाहिए। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।